While India continues to battle with the second wave of the COVID-19 pandemic, lots of questions arise in our minds regarding the killer virus. One such question raised is, will the third wave of coronavirus in India impact children the most? Experts have already advised that India gets to prepare for the third wave of COVID-19, which is expected to reach the country later this year. Officials also warned that children would be affected by the third wave. Amid apprehension of a third wave later this year or early next year, states have already started preparing, mainly focusing on protecting the children. During the press briefing of the Union Health Ministry Niti Aayog member, Dr. V.K. Paul said, Zero positivity lagbhag utna hai. 22-23%, 20-22%. Kehne ka matlab ye hai ki बच्चों में इसका इफेक्ट उस तरह से देखा जाए तो था ही. बच्चों को इफेक्ट होता है, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लोग स्प्रेड भी कराते हैं. करने हैं जो हम और साइंटिफिक कम्युनिटी ने हमेशा एम्फेसाइज किया है, अपने आप को बचाना है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से, मास्क लगाना है, और 10-11 साल वाले बच्चे भी जो उनको भी इनक्रेज करना है कि वो भी मास्क लगाएं, वो भी डिस्टेंस मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें. वही चीज़ें करनी है. और बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक है तो पता ही नहीं चलता, अगर हो तो सेल्फ प्रोटेक्शन के अलावा जो होम केयर के प्रिंसिपल्स बार बार हाईलाइट करते हैं उन पे भी लागू होते हैं. और अगर सिग्निफिकेंट डिजीज है तो उसको हमें प्रोटोकॉल के द्वारा हमें उसके ऊपर वॉच रखनी है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड अर्लियर कॉल्ड टू कलेक्ट डेटा ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 अमंग यूथ एंड चिल्ड्रन इन ईच डिस्ट्रिक्ट इन अ मीटिंग विद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स एंड फील्ड ऑफिशियल्स ऑफ 10 स्टेट्स. प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड ऑफिशियल्स मस्ट एनालाइज सच डेटा रेगुलरली टू प्रोटेक्ट देम. की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है. अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा. कंक्लूजन. Public health experts have asserted that it is too early to predict whether a third wave would occur or how large the epidemic would grow. States are already taking steps to ensure there are arrangements in place to protect children.